हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड। और जोहार मांती जी का चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तभी सुबह का समय है और सबसे पहले मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ छिलका रोटी, जिसको बोलते हैं चीला रोटी। तो अभी ठंडी का समय है तो बहुत ही अच्छा अच्छा सब्जी सब मिलता है तरह तरह का। तो सब सब्जी सबको मैं डाल ली थी और डालने के बाद चीला रोटी मैं बना रही हूँ। और इधर नारियल और बादाम का चटनी भी बना रही हूँ उनके साथ खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी आता है ये चीला रोटी के साथ। तो देख सकते हैं पूरा सब्जी सब भी एकदम बहुत ही अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी ठंडी का समय तो अधिकतर लगता है कि पराठा या चीला ही रोटी खाएं गरम गरम। और इधर देख सकते हैं कितना अच्छा पूरा सब्जी मैं मिक्स कर ली हूँ और इधर मेरा चीला रोटी भी बन के रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर पूरा नारियल को भी मैं अच्छे से पीस ली हूँ चटनी। तो बस इसमें तड़का लगाना बाकी है। तो तड़के में बस मैं थोड़ा सा डालूँगी कढ़ी पत्ता और सरसों डालूँगी। और बाकी बाद ये चटनी में मैं सारा चीज़ डाल ली हूँ, नमक उमक लहसुन उसुन। तो देख सकते हैं फ्रेंड अभी तड़का लगा लेती हूँ। और तड़का उड़का लगाने के बाद जल्दी जल्दी हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड नाश्ता करने के बाद आ गए हैं छत। और छत को किस तरह से हरा भरा बनाना चाहिए तो मैं आज आप लोग से वही शेयर करूँगी। तो अभी देख सकते हैं बाल्टी में मैं छोटा छोटा ईंट का टुकड़ा डाल लिए थे हम लोग। और ये जो नारियल का छिलका देखते होंगे आप लोग, वही नारियल का छिलका भी डाल दी हूँ ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। और इधर जो आम और अमरूद का पौधा लाए हैं हस्बैंड जी, अभी उस वही सबको अभी लगाएंगे। और अभी ठंडी का समय लगाने से बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्या है कि बहुत जल्दी ही लग जाता है और ग्रो भी अच्छा होता है। तो इधर देख सकते हैं सबसे पहले आम का ही लगा रहे हैं हम लोग। और ये हाइब्रिड वाला आम है और इसका रूट बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो ये मिट्टी जितना भी अभी एक्स्ट्रा मिट्टी है थोड़ा बहुत हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि नर्सरी वाले लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही मिट्टी लगा के उसको मतलब सख्त बना देते हैं ताकि एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में मतलब कोई दिक्कत ना आए, यानी कि पौधा टूटे ना बोल के ही इस तरह से एक्स्ट्रा मिट्टी लगा के रख देते हैं। तो जब भी प्लांट लगाइए आप लोग तो इसी तरह से हल्का मिट्टी थोड़ा सा निकाल लीजिए और पौधा को थोड़ा सा यानी कि मिट्टी से थोड़ा ढीला कर दीजिए, उसके बाद लगाने से बहुत ही अच्छा ग्रो होता है और जड़ भी अच्छा से निकला हुआ रहता है। तो खुला मिट्टी में पूरा अच्छे से फैलने में उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। इसीलिए जब भी पौधा लगाइए आप गमले में या बाल्टी या कोई भी चीज़ में, तो थोड़ा सा नीचे का मिट्टी निकाला जाता है जड़ का। तभी देख सकते हैं इधर आम का भी लग चुका है और अभी अमरूद का हस्बैंड जी लगाएंगे। और इसका भी रूट बहुत ही अच्छा बना हुआ है और जो ऊपरी भाग में जो हरा हरा थोड़ा सा रहता है मिट्टी, इसको हम लोग बोलते हैं काय। तो काय को भी थोड़ा सा हटा लेंगे, काय वाला मिट्टी को, और इसी तरह से एकदम साफ़ सुथरा करके लगाएंगे ताकि बहुत ही अच्छा हो जाता है, पौधा बनने में बहुत ही अच्छा हेल्प मिलता है। तो इधर देख सकते हैं पूरा मिट्टी को हस्बैंड जी पूरा हिला के ढिला दिए हैं और उसके बाद लगा रहे हैं हम लोग। और ये सर्दियों में खास करके जो भी फल फ्रूट या फूल भी लगाइए तो बहुत ही अच्छा एकदम खिलता है। एक ठंडी का ही मौसम ऐसा रहता है कि आपको तरह तरह का फूल पौधा देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम लोग फूल सब तो लगा लिए हैं, अब बस फल का पौधा लगाना बाकी था। और हस्बैंड जी भी बोल रहे हैं कि फल फ्रूट भी होना चाहिए। तो अभी सब हाइब्रिड वाला है जो कि गमला या मतलब बाल्टी समय लगाने से भी मतलब अच्छा फलने लगता है। इसका पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है, छोटा ही छोटा रहता है। तो इसको ज़्यादा मिट्टी भी नहीं चाहिए, कम मिट्टी में भी हाइब्रिड वाला पौधा अच्छे से ग्रो करता है। और ये बाल्टी में मुश्किल से 5 से 6 kg का मिट्टी भराया गया होगा और बहुत ही अच्छा हो जाता है इसमें बाल्टी सब में भी। और बाल्टी में ही चलते हम लोग लगाए हैं कि बाल्टी थोड़ा सा हल्का होता है प्लास्टिक का, और सीमेंट और मिट्टी का गमला थोड़ा हेवी हो जाता है, उसमें भी प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो होता है मिट्टी और चाहे सीमेंट का गमला हो। तो हेवी के कारण हम लोग बाल्टी में ही ग्रो कर रहे हैं। और इधर पूरा अभी हस्बैंड जी फिर से खाद उद को अच्छे से मिला ले रहे हैं और अभी और 2-4 पौधे लाया गया है तो अभी उस सबको भी अच्छे से हम लोग मिक्स करके लगा लेते हैं। और ये ठंडी में ही बहुत तरह तरह का मतलब फल फ्रूट का भी पौधा मिलता है, तो अभी नींबू सब का भी है तो सबको अच्छे से
अभी मिलाने के बाद बाल्टी सब में डाला जाएगा। तो अभी हम लोग दोनों को मिले हुए हैं और अच्छे से कर रहे हैं। तो हस्बैंड जी का भी आज रेस्ट था तो सोचे कि चलो आज यही सब काम किया जाए, तो इसी तरह से मिलके हम लोग कर रहे हैं। और इस तरह से मिलके करने से क्या होता है कि समय का पता ही नहीं चलता है और बहुत जल्दी भी कोई भी काम हो बहुत जल्दी ही हो जाता है। तो इधर मैं जितने भी किचन से जितने मेरे लहसुन प्याज या कोई भी सब्जी का छिलका सबको मैं फेंकती नहीं थी, एक बोरी में मिट्टी डाल के बस उसमें अच्छे से खाद बनाती थी। तो सब खाद आज मेरा यूज हो जा रहा है, जितने गोबर खाद है और मेरा किचन वेस्ट जितने भी खाद में बना के रखी थी तो सबको डालने के बाद अभी अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं फावड़ा से हस्बैंड जी। और इधर मैं जितने भी बाल्टी हैं तो वो सब में मैं ये ईंट का टुकड़ा सबको डाल रही हूँ तोड़ तोड़ के। तो इसी तरह से अभी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं उसके लिए भी बताइएगा। तो अभी देख सकते हैं अभी हम लोग का काम एकदम चालू है और इधर पूरा मिक्स हो गया है पूरा मिट्टी सब। तो अब बस पौधा सब लगाना बाकी हो गया है तो हम लोग जल्दी जल्दी से पौधा सब लगा लेते हैं फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए फ्रेंड आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि कौन सा फल का पौधा लगाए हैं। तो सबसे पहले इधर दिखाऊंगी, तो ये है अनार, अनार का पौधा है, ये हाइब्रिड वाला अनार है तभी नया पौधा है बोल के, थोड़ा सा घना नहीं है एकदम पतला दिख रहा है। और ये है नींबू, हाइब्रिड वाला नींबू जो कि देख सकते हैं फला हुआ है और अभी इसमें एकदम छोटा छोटा भी आ रहा है, देख सकते हैं एकदम छोटा छोटा भी है और इधर थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो अभी जब पूरा फल जाएगा तो और दिखाएंगे। और ये है शरीफा का पेड़ जिसको बोलते हैं सीताफल, तो ये भी नया पौधा है तो इसको लगाए हैं। इधर हाइब्रिड वाला आम है जो कि फूल दे चुका है, इसको जो हम लोग अपना आम भाषा में बोलते हैं मंजर बोलते हैं आम मंजर, तो ये भी दे चुका है। और इसको जमीन में भी लगाने से उतना ही फलता है और गमले में भी फलता है तो इसीलिए हम लोग लगाए हैं बाल्टी में। और ये है चाइनीज वाला अमरूद जो कि बहुत ही अच्छा फलता है, नीचे से ही बोला गया है तो हम लोग लाए हैं। और इधर देख सकते हैं न्यू ग्रोथ दिख रहा है और ये चाइनीज वाला अमरूद है। और इधर भी हाइब्रिड वाला आम है जो कि ये भी अच्छा से पूरा इसका फूल आया हुआ है और इसका टहनी इसी तरह से है। तो जब आम फल जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये भी हाइब्रिड वाला ये अमरूद है, वो चाइनीज वाला अमरूद था, ये हाइब्रिड वाला अमरूद है तो दोनों का वैरायटी अलग अलग है। और अभी इस तरह से फूल पत्ती है, ये मेरा डेली यूज होता है पुदीना का पत्ता जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो किया है, इसको मैं पुराना क्वार्टर से लाई थी वहाँ भी बहुत ज़्यादा लगाई थी मैं,
तो इस तरह से मेरा फल फ्रूट का पौधा दिख रहा है, इधर फूल सब भी दिख रहा है, फूल सब भी खिला हुआ है। और इधर ऊपर में भी देखिए, इधर भी देख सकते हैं गुलदाउदी खिला हुआ है। ये चाइनीज वाला गुलाब है जो कि इसका मैं फूल को कटिंग कर दी थी तो न्यू ग्रोथ आने लगा है। और ये तो देसी वाला गुलाब है और ये भी चाइनीज वाला गुलाब है, तो इसको भी मैं इसका फूल को तोड़ दी थी तो इसका भी देखिए नया नया ग्रोथ निकल गया है ब्रांच। और ये वाइट वाला गुलाब है, इसको भी इस बार सब न्यू प्लांट है मेरा। और इधर हाइब्रिड वाला, ये हाइब्रिड बोलते हैं सॉरी, चाइनीज वाला गुलाब है ये भी, ये पुराना पेड़ है मेरा तो बहुत ही अच्छा कली दिया हुआ है। तो इधर मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। और इसमें मैं कुछ भी बाहर का खाद नहीं डालती हूँ, मेरा जो किचन वेस्ट, जो मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ उसी को डालती हूँ और गोबर खाद रहता है। तो इस तरह से मेरा फूल प्लांट दिख रहा है छत का। तो फ्रेंड आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से एक अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।